పేదలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నా హైడ్రా కూల్చివేతలు మాత్రం ఆగడం లేదు। మలక్పేట్ చాదర్గాట్ ఏరియాలోని మూసీ పరివాహక ప్రాంతమైన మూసానగర్లో హైడ్రా అధికారులు ఇవాళ కూల్చివేతలు ప్రారంభించారు। గట్టి పోలీసు బందోబస్తు మధ్య కూల్చివేతలను కొనసాగిస్తున్నారు। ఈ కూల్చివేతలను వ్యతిరేకిస్తూ అధికారులతో స్థానికులు వాగ్వాదానికి దిగారు। తమ ఇండ్లను కూల్చొద్దంటూ ఆందోళనకు దిగారు। బలవంతంగా ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నారని ఖాళీ చేసేందుకు ఒక్క రోజు కూడా టైం ఇవ్వలేదని బాధితులు వాపోయారు। इंटरव्यू लेके वो एक बैगन में मिला दिया पूरी इमेज हमारी। डबल बेडरूम है भाई, बता हमारी डबल बेडरूम। खैर अब काट रहे लगा रहे हैं, गलती से काट दिया करते होने। खैर अब क्या करते, मार रहे थे अपने क्यों बनाना, कहाँ के कहाँ के तुम्हें बताओ। मेरे वो भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, कैसा भी चलता नाजास तोड़ के गए पूरे लोग। नीचे की लाइन थोड़े से थोड़े थे, वो नदी की लाइन थी, ये लाइन ऊपर की नहीं थी। यहाँ तक पानी नहीं आ रहा था, आके जबरदस्ती तोड़ के गए। सामान निकालो निकालो, नहीं निकाले तो हाथ को कागज का पट्टा ले देते बोरे। हाँ निकालना कैसा, पानी बारिश पड़ रही, सामान निकालना कैसा जाना गरीब लोग। और वहाँ गए तो पानी नहीं है, कहते वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे ना लिफाम बंद कर दे रहे। अब जाना किधर हम लोग गरीब लोग, जाना किधर, उधर से उधर के लोग आका रहे, इधर से लीडर आका रहे, फिर किसके घर में जाना। हम ओन घर छोड़ के जाना का, किराए से तो नहीं है ना घर में। यहाँ पे వారం రోజుల నుంచి మాకు నిద్ర లేదు, ఏం లేదు, మేము ఇప్పుడు ఎక్కడ దూరం పోలేము, మాకు వద్దు ఆ ఇంట్లో వద్దు ఏమొద్దు, వాళ్ళ పట్టాలు వాళ్ళకి ఇస్తాము, మన మమ్మల్ని మొత్తం రోడ్డు మీదకి తెచ్చారు, ఎక్కడ నీళ్ళు వచ్చినాయి అక్కడ వరకు తీసేయమని మాకు ఇంతకు ముందు అక్కడ వరకే లాస్ట్ చెప్పారు, ఇప్పుడు ఈ లోపల దాకా తీసుకొచ్చారు, మేము అక్కడ ఓము, మా వాళ్ళ ఖైదాలు వాళ్ళని తీసుకోమని మా ఇంట్లో మాకు ఇచ్చేసేయమని, మేము అక్కడ దాకా ఓము, మేము బాధపడలేదు। मेहनत करके जीने वाली मेरे को कोई भी नहीं है, बांटने वाले समझे, मेरे को कोई भी नहीं है ख्याल करने वाले, मैं भी मेहनत करके जीती, लिखते नहीं है, घुटनों में दर्द है। बोला तुम्हारे सीएम को पानी भी नहीं है, नल का पानी तो कहते 5 बजे रात को उठे भरना, कहते 5 बजे रात तुम मरना क्या, सीढ़ियों पर से गिर के समझे कहीं पे गए। तो हम मेहनत करके दिन भर आके शाम में आके सो जाते थे, मेहनत करके हमारे तकलीफ दे रही, अल्लाह अच्छा नहीं रखेगा। रुकाना है यहाँ पे हमारे को, अपने कोई पार्टी से कंसर्ट नहीं है, हमारे कंसर्ट मतलब सिर्फ हमारे को टीआरएस से, टीआरएस आना है आना है, और हमारे को केटीआर साहब यहाँ पे आना है आना है, और काम रुकाना है रुकाना है। तो हम लोग काम पे जाते, पूरा कारोबार इधर ही है, अब उधर 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 ले आके फेंक दे, हमारा घर कैसा चलेंगे, हम कैसा काम करेंगे, कैसा जिंदा रहेंगे। केटीआर साहब केटीआर साहब रहने तेलंगाना सरकार रहने कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा सुकून की जिंदगी जी रहे थे, ये आया पूरा सत्यानाश कर दिया पूरा, किसी को भी चैन से रहने नहीं दे रहा है, पूरा पूरा तोड़ दे रहा पूरा, कहा जाना कैसा रहना आप, जब आ रहे रात रात में आ जा रहे हैं, पुलिस आ जा रही, ऑफिसर आ जा रहे, पूरा निकालो 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 बोल रहे, सामान पैक भी ना करने दे रहे, ना घर कोई कपड़ा बनने दे रहे, ना कोई सामान उठाने दे रहे, हमारे फेंक दे रहे, बोलो पूरा निकाल के फेंक दे रहे, पूरा चले जाना यहाँ से बोल के बोल रहे, अभी कहाँ जाना बोलो, कैसा जाना, उधर जा रहे हैं घर दिए, उधर लिफ्ट नहीं है, उधर पानी नहीं है, जब तक तेलंगाना सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे, केटीआर साहब आना इधर, उनका सरकार बनना फिर बनना, केटीआर की सरकार बनना, जब तक तेलंगाना सरकार नहीं बनेगा हैदराबाद कभी कभी ऊपर नहीं आएंगे, कभी पूरा अभी पूरा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद कर दिया। मेरे लोगों का 50 गजल लैंड ही लैंड इच्छी पूल पड़ी इपू रोड पेड़ डबल बेड्रूम इंतनी लिफ्ट पनचे नल्लोल डेली प्रॉब्लम प्रतिदी प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम एक्ड़े पैकी किंदे निना इंट पूल पटे चाल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम फिर हमारे MLA का है, हमारे कौशलारा का है, फिर हमारी बस्ती को टेम नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, घर तोड़ दे रहे,
तोड़ देंगे क्या? हमारे को किधर भी चले जाओ बोले तो कहाँ जाना, किधर जाना? अब हमारे रास्ते क्या रखे? फिर हम वोट डालने के वास्ते दस दस ऑटो वाला है, पंद्रह पंद्रह ऑटो वाला है। अब कहाँ है फिर ऑटो कहाँ है? फिर एमएलए साहब कहाँ है? फिर काउंसलर कहाँ है भाई? वहाँ की काउंसलर काउंसलर है, वहाँ का एमएलए एमएलए, फिर यहाँ का नहीं है क्या? ये बस्ती नहीं है, ये बस्ती में रहने वाला इंसान नहीं है क्या? फिर आना ना भाई यहाँ भी देख। हमारे नानी है, इनो पूरे शरीर पे हैंडीकैप है, इनो इनको कुछ भी नहीं मालूम है। हमना बच्चियाँ है, कॉलेज को जाते, स्कूलों को जाते। ये रेवंत रेड्डी बोले पूरा बहुत जाना ने निकल जाना ने सीट पे से हट जाना ने आना ने सीट पे। हमारे केसीआर अन्ना अच्छे अच्छे है, उन्हों को ले लेके और सीट पे क्या करा? अगर कुत्ता उसको गवर्नमेंट में निकालना है, ये क्या बोलते मेट्रो स्टेशन नदी के ऊपर है और ये रेलवे स्टेशन नदी के ऊपर है और ये पूरा ब्रिज जो है तो वो भी नदी के ऊपर है।